गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गिविंग टू यू अ सिंपल टेस्ट ऑफ ईवीएस क्लास फोर्थ। देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज फिल ऑल द स्पेसेस विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिविंग टू यू अबव ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ईवीएस क्लास फोर्थ का एक सिंपल टेस्ट दे रहा हूँ, जिसमें कि आपने क्या करना है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इनको आपने क्या करना है, फिल करना है। और इसके हेल्प के लिए आपको इनके ऊपर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें से छांट के आपने इनमें जो करेक्ट वर्ड होगा उसको फिल करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे क्या है शुगर कैन। शुगर कैन किसको बोलते हैं? जो गन्ने का पौधा होता है उसको शुगर कैन बोला जाता है। बॉइलिंग, उबालना। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब जो बिजली वाला होता है उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं। और सॉल्टिंग, जिसमें हम नमक मिलाते हैं उसको सॉल्टिंग कहते हैं। और चॉकलेट, चॉकलेट तो आप सभी को पता होगा, जो आप सभी लोग खाते हैं चॉकलेट। सो फर्स्ट डैश मेथड इज यूज्ड टू कीप पिकल्स सेफ फॉर जर्म्स। तो बच्चों, आपने ये अभी पढ़ा है, जो आपका लास्ट चैप्टर था ये उसमें भी है ये कि क्या होता है, जो मैंगोज होता है उसको टू कीप पिकल्स सेफ, जब उसको हम अचार बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिससे कि वो जर्म से बचा रहता है और एक लंबे टाइम तक चलता है। अचार बना के बहुत समय तक चलता है ना, एक साल तक भी चलता है। तो इसमें आप देखेंगे क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। तो जो आपको लगेगा वो आप इसमें लिख लीजिए। डैश इज एन एवरग्रीन ट्री। इसमें दिया गया कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि एवरग्रीन, हमेशा क्या रहता है, हरा रहता है। तो इसमें से छांटिए आप। और डैश इज नॉट गुड फॉर टीथ। ऐसा क्या है जो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जो वाटर में जर्म्स होते हैं उसको खत्म करने के लिए, उसको मारने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं पानी को, तो इसमें लिखिए। और डैश एनर्जी इज यूज टू रन अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए हम किस एनर्जी का यूज करते हैं, तो इसमें आप लिखिए। आपको सभी के घर में वॉशिंग मशीन होगी, तो वो किससे चलती है, उसके अकॉर्डिंग आप इनके सॉल्यूशंस यहां पर लिखिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल राइट द करेक्ट आंसर्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन टेल मी बाय मैसेजिंग, सो यू विल सॉल्व इट एंड सेंड मी द फोटोज ऑफ योर सॉल्यूशंस। थैंक यू।